हमारा समाज एक टिकट के लिए दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी सारी जिंदगी को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। और हमने बिहार में अपना दल बना के, अपना बल बनाकर हमने बिहार में निषाद मल्ला का बेटा टिकट बांटने का काम करने लगा। साथियों, आज आपने संघर्ष किया, आपने बिहार में अपनी सरकार बनाया। 2020 का जो सरकार बना वो बिहार में निषाद का समाज का समर्थन से बिहार में सरकार बना था, ये इतिहास आपने बनाया। अगर शायद अगर 2020 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं समर्थन नहीं देता, मैं मतलब वीआईपी पार्टी, अब वीआईपी पार्टी मतलब निषाद समाज, क्योंकि वीआईपी पार्टी का रीढ़ का हड्डी वो निषाद समाज है। हमारा पार्टी का बेस वोट निषाद समाज के सभी उपजाति बिंद बेलदार नुनिया मला निषाद के जो 22 उपजाति है, ये बिहार वीआईपी पार्टी का रीढ़ का हड्डी है। 11 सीट हमें मिला, हमने हर जाति को टिकट दिया, हमने यादव जी को भी टिकट दिया, हमने पासवान समाज को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, हमने भूमिहार को भी टिकट दिया, हमने बनिया को भी टिकट दिया, हमने निषाद को भी टिकट दिया। 11 सीट हमें मिला, हमने हर जाति को टिकट दिया, हमने यादव जी को भी टिकट दिया, हमने पासवान समाज को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, हमने भूमिहार को भी टिकट दिया, हमने बनिया को भी टिकट दिया, हमने निषाद को भी टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को भी टिकट हमने दिया, हर जाति समूह को हमने टिकट दिया। लेकिन निश्चित तौर पे आज पार्टी में 95% आज भी पार्टी के पदाधिकारी निषाद समाज है और वो खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। तो साथियों, इसी तरीके से आप लोगों को मजबूती से लगे रहना है, आप लगे रहेंगे। आज अगर मैं मुंबई में रहता तो मैं बिहार का लीडर थोड़े बनता। आज मैं मुंबई से आया, मेहनत किया, लोगों के बीच में गया, ईमानदारी से काम किया। आज बिहार में कहीं पे किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए कि निषाद समाज का लीडर कौन है, तो सब कहेगा कि सनक बल्ला मुकेश सहनी है। ये हमने कर दिखाया, तो ये आपको मजबूती से आपको काम करते रहना है। और आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए जैसे संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका दुश्मन भी बहुत बड़ा है। आपने देखा कि आपने सरकार बनाया और जब एनडीए का बैठक होता था, जब ऊपर का लाइन में 4 कुर्सी लगता था और सामने में विधायक, मंत्री, सांसद, ये विधान परिषद सदस्य, ये सामने में बैठते थे, और जब ऊपर के मंच में बैठने का समय आता था तो 4 में से एक आपका भाई, आपका सनक मल्ला भी उस लाइन में बैठता था। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया जिन लोगों ने आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी उन्होंने अपने पैरों के तले आपको दबा के रखा था, आपको गुलाम बना के रखा था, आपके पैर में बेरी बांध के रखा था कि हमेशा ये गुलाम बन के रहे और मैं जिधर कहूँ उधर ये वोट गिराए, ऐसा गुलाम आपको बना के रखा था। उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बराबरी मुकेश सहनी करने लगा, एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा, जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं उस कुर्सी के बगल में मुकेश सहनी बैठने लगा। और फिर उन्होंने क्या किया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको रोड पे ला दिया। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, ऊपर वाला भी हमारे साथ था और है। आपने देखा कि भाजपा ने हमारे 4 को विधायक खरीदा, हमें सरकार से बाहर किया। आज देखिए, आज उनके तमाम मंत्री, आज इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारा समाज एक टिकट के लिए दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी सारी जिंदगी को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। और हमने बिहार में अपना दल बना के, अपना बल बनाकर हमने बिहार में निषाद मल्ला का बेटा टिकट बांटने का काम करने लगा। साथियों, और ये सब आपके सहयोग से हुआ है, आपने हमें अपना नेता माना, आप हमारे साथ चलने लगे, इसलिए आज ऐसा हुआ। तो इसलिए साथियों, आज मजबूती से हम लोग पूरे प्रदेश में हमारी ताकत है, और जहां से हम लाइन लगा देते हैं वहां से लाइन गिनती चालू होता है। आज पूरे बिहार को ये बता दिया हमने। तो निश्चित तौर पे हम लोग का समय है संघर्ष करने का।
हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, आज हम कर रहे हैं, और आज जिस रोज हमारा संघर्ष सफलता की ओर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आने वाला पीढ़ी का इसका लाभ मिलेगा। आज आपने संघर्ष किया, आपने बिहार में अपनी सरकार बनाया, 2020 का जो सरकार बना वो बिहार में निषाद का समाज का समर्थन से बिहार में सरकार बना था, ये इतिहास आपने बनाया। अगर शायद अगर 2020 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं समर्थन नहीं देता, मैं मतलब वीआईपी पार्टी, अब वीआईपी पार्टी मतलब निषाद समाज, क्योंकि वीआईपी पार्टी का रीढ़ का हड्डी वो निषाद समाज है। अगर किसी व्यक्ति का अगर रीढ़ का हड्डी टूट जाए वो आदमी बेकाम हो जाएगा। उसी तरीके से आज हमारा पार्टी का बेस वोट निषाद समाज के सभी उपजाति बिंद बेलदार नुनिया मला निषाद के जो 22 उपजाति है ये बिहार वीआईपी पार्टी का रीढ़ का हड्डी है। और हमारे आस्था विश्वास बिहार के अति पिछड़ा पे है, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले हैं अब मजबूती से। और ये पार्टी तो हर जाति धर्म के पार्टी है, यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं है। आपने देखा होगा कि 11 सीट हमें मिला, हमने हर जाति को टिकट दिया, हमने यादव जी को भी टिकट दिया, हमने पासवान समाज को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, हमने भूमिहार को भी टिकट दिया, हमने बनिया को भी टिकट दिया, हमने निषाद को भी टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को भी टिकट हमने दिया, हर जाति समूह को हमने टिकट दिया। लेकिन निश्चित तौर पे आज पार्टी में 95% आज भी पार्टी के पदाधिकारी निषाद समाज है और वो खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। तो साथियों इसी तरीके से आप लोगों को मजबूती से लगे रहना है, आप लगे रहेंगे